मंत्र है भगवान का वरदान, जाप करने भर से रंग से राजा बन सकता है इंसान। हेलो दोस्तों, आप सभी का द डिवाइन सोल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यदि आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक तत्काल पहुँच सकेगी। यदि आप सालों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, पर ये पैसा ना तो आपको अमीर बना रहा है और ना ही आपकी बचत करा रहा है, ऐसी स्थिति में एक बार जरूर सोचें कि आखिर आपसे गलती कहाँ हो रही है। घर में आई लक्ष्मी कब आई और कब चली भी गई, मनुष्य को इसका आभास भी नहीं होता है। ऐसे में दिक्कत वो परेशानी का पहाड़ उसके सर पर फूट जाता है। घर में सुख शांति बनी रहे तथा माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद रहे, इसलिए लोग तुलसी का पौधा घर में जरूर स्थापित करते हैं। पुराणों में ऐसी मान्यता है कि इससे सीधे हमारे घर में देवी देवताओं की कृपा होती है, परंतु दोस्तों कलियुग का प्रभाव इतना गहरा हो चुका है कि भगवान तक हमारी प्रार्थना पहुँच ही नहीं पाती तथा देवीय वस्तुएं जैसे तुलसी के पौधे आदि के द्वारा भी हमें विशेष लाभ नहीं हो पाता। हर मुश्किल चीज को पाने का कोई न कोई रास्ता अवश्य ही होता है तथा पुराने के अनुसार भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में एक मंत्र ही सहारा होगा जिसके द्वारा व्यक्ति की कोई भी प्रार्थना सीधे मुझ तक पहुँचेगी। दोस्तों आज हम आपको ऐसे ही एक मंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे तुलसी के सामने यदि जपा जाए, इस मंत्र को बोला जाए तो आपकी मनोकामना सीधे भगवान तक पहुंचेगी और वह पूरी भी होगी। आपकी सभी परेशानियां, बीमारियां, कर्ज, नौकरी से संबंधित परेशानी खत्म होगी तथा आपका घर धन धान्य से भर जाएगा। समाज में आपकी पूछ होने लगेगी, जहाँ भी आप जाएंगे आपको सब तरफ आदर और सम्मान मिलेगा। इस मंत्र के जाप के लिए आपको एक विशेष माला की आवश्यकता होगी जिसे तुलसी माला कहते हैं। दोस्तों तुलसी की माला के साथ आपने इस मंत्र को 108 बार यदि जप कर लिया तो आपकी जैसी भी मनोकामना होगी समझो कि वह पूरी ही हो गई। तुलसी के पौधे, तुलसी की माला और तुलसी मंत्र के बीच एक कनेक्शन होता है। जब हम इस मंत्र को पढ़ते हैं तो एक दिव्य ऊर्जा का निर्माण करते हैं तथा वह इतनी शक्तिशाली होती है कि भगवान को आपकी इच्छा पूरी करने के लिए विवश होना पड़ता है। लेकिन ध्यान रहे, तुलसी की माला को साधारण नहीं बल्कि अभिमंत्रित ही लेना आवश्यक है। तुलसी की माला को किस तरह से अभिमंत्रित किया जाए इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप उसे जरूर चेक कर लें। दोस्तों इस मंत्र के जाप के लिए आपको सुबह स्नान आदि करके घर के मंदिर को गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लेना है। फिर भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद आप तुलसी में जब जल डाल रहे हो तो तुलसी माता और भगवान विष्णु का ध्यान करें। अब तुलसी की माला अपने हाथ में लेकर 108 बार ये मंत्र बोले। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि जरा मुक्तम तुलसी त्वाम नमोस्तुते। मंत्र एक बार फिर से सुने। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि जरा मुक्तम तुलसी त्वाम नमोस्तुते। अब अंत में आप अपनी मनोकामना बोलकर भगवान से उसे पूरी करने की प्रार्थना करें। जो भी इच्छा हो, जैसी भी इच्छा हो, आपकी तुरंत ही पूरी होगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी और आप सभी के बहुत ही काम आने वाली है। ऐसी और भी ढेरों जानकारी के लिए आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी और अद्भुत जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।